जैसे हॉकी में फील्ड गोल स्पेशलिस्ट और पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट होते हैं फरदीन, अल्टीमेट खो-खो में भी पोल डाइव स्पेशलिस्ट और स्काई डाइव स्पेशलिस्ट होते हैं। पहले ये वजीर का टच देखिए, अब आपको दिखाएंगे ये वजीर का टच, अब रामजी कश्यप का स्काई डाइव देखिए। आप दौड़ते हैं, दौड़ते हुए अपनी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ निकालते हैं और उसके बाद पूरा स्ट्रेच करके विरोधी डिफेंडर को टच करते हैं। रामजी कश्यप को खो मिली, बड़ा छोटा सा 20 मीटर का स्प्रिंट था और इसको स्काई डाइव दिया गया है। रामजी कश्यप भी थोड़े हैरान हो रहे होंगे कि प्रभु मैं हवा में तो था नहीं, लेकिन ये पोल डाइव बिल्कुल क्लीन थी, मनोज पाटिल ने पोल डाइव किया था। तो तीसरा बैच भी साफ कर दिया है फरदीन। और यार क्या खूबसूरत डिफेंस महेश मधुकर शिंदे की तरफ से। हमारी नजरें थी अमित पाटिल पर जो बाद में आएंगे, लेकिन महेश मधुकर शिंदे ने बताया कि क्यों ऑक्शन में सबसे पहले ये पिक किए गए थे, क्योंकि डिफेंस जो है वो ना केवल पॉइंट बचाता है बल्कि पॉइंट कमाता भी है। अल्टीमेट खो-खो का फॉर्मेट ही ऐसा है। मदन बचे हुए आखिरी डिफेंडर है और मदन की बॉडी लैंग्वेज देखिए, थके हुए नहीं लग रहे हैं, बहुत फ्रेश लग रहे हैं। डिफेंडर पॉइंट कर रहे हैं, मदन पदी छा गए, क्या बात है मदन। ये पहला टच हुआ, वजीर ने किया था स्काई डाइव विरोधी टीम के तासीम को। दूसरे टच पे रिव्यू लिया गया, अमित वसंत पाटिल ने ये स्काई डाइव लगाई थी और उन्होंने शिकार बनाया था मजहर कलंदर को, और उसके बाद रामजी कश्यप को डाइव मिली, वो दौड़े, डायरेक्शन बदली और अपनी 20वीं स्काई डाइव लगाकर रामजी कश्यप ने बताया कि क्यों वो अल्टीमेट खो-खो के नंबर एक अटैकर हैं। विजय भाई वेगाड़ ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ कमाल के डिफेंस किया था, 6 पॉइंट का ड्रीम रन बनाया था, नंबर 17 है, एक और ड्रीम रन, उसके बाद विजय भाई आउट। तो पहला बैच चेन्नई क्विक गन्स का आउट हुआ, लेकिन 4 पॉइंट ये भी ले गए, यानी राजस्थान वॉरियर्स के लिए जीत का लक्ष्य 31 पॉइंट दूर है। मैच में 2 ही मिनट बाकी हैं और लीड देख लीजिए बहुत विशाल काय है, अभी भी 23 पॉइंट से चेन्नई क्विक गन्स आगे हैं, यानी 2 मिनट में 24 पॉइंट चाहिए, यानी आपको 8 डिफेंडर आउट करने हैं स्काई डाइव से या पोल डाइव से अगर राजस्थान वॉरियर्स को जीतना है तो। जी हाँ, बस 7 सेकंड और 36 पॉइंट है राजस्थान वॉरियर्स के पास, और इसी तरह से बचे रहे रामजी हरिचंद्र कश्यप, अमित पाटिल बचे हुए थे आखिरी तक, और जीत हासिल कर ली है चेन्नई क्विक गन्स ने। क्या बेहतरीन डिफेंस, क्या बेहतरीन अटैक, और कोच साहब, राजस्थान के कोच साहब बहुत ज्यादा परेशान।